दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आपने भी बनवा रखा है ई श्रम कार्ड तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ज़्यादा जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो 100% आपके खाते में महीने की 1 से 5 तारीख तक के बीच में आपके खाते में 10,000 रुपये की धनराशि दिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगेगा कि जैसे बाकी यूट्यूब चैनल्स पर उन्हें फेक जानकारियाँ दी जा रही हैं, उसी तरीके से इस चैनल पर भी फेक जानकारियाँ दी जा रही हों। पर आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हम लोग जो ट्रिक आजमाते हैं और जो ट्रिक काम कर जाता है उसके बाद हम लोग आप सभी तक जानकारियाँ शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो आप सभी को पता होगा कि आपके आसपास रह रहे सभी शख्स ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है। इस वक्त पूरे भारत देश से 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है। ऐसे में इतने सारे लोगों के अकाउंट में ई श्रम पोर्टल के तहत धनराशि पहुँचाना कोई आम बात नहीं है और पूरी तरीके से नामुमकिन हो चुका है कि ई श्रम पोर्टल के सभी धारकों के खाते में ये धनराशि पहुँचाई जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि ई श्रम पोर्टल पर एक नई ट्रिक लागू की गई है जो कि गुप्त रखी गई है। अभी तक बताया जा रहा है कि अगर आपने ई श्रम कार्ड 2021 में बनवाया था, अगर आप अपना ई श्रम कार्ड अपडेट करते हैं तो मात्र 5 मिनट के अंदर आपको ई श्रम पोर्टल के तहत 10,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। और ये ट्रिक आपको पूरे 6 महीने तक ट्राई करनी है और 6 महीने तक आपके खाते में 10,000 रुपये की धनराशि पहुंचाई जाएगी। बता दें कि इस ट्रिक को अभी तक गुप्त रखा गया है, क्योंकि अगर ये जानकारी ज़्यादातर लोगों के पास पहुंची तो सारे लोग एक साथ ही अपडेट करवाना शुरू करेंगे और फिर से एक बार सरकार हर किसी के खाते में यह धनराशि भेजने में नाकामयाब साबित होगी। ऐसे में आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं अपने खाते में 10,000 रुपये की धनराशि मंगवाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारियाँ पूरी तरीके से मुफ्त हैं। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।